विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ के कपाट आज शुभ मुहूर्त तुला लगन पर सुबह 8:30 पर बंद कर दिए गए। इस दौरान मुख्य पुजारी वेद पाठियों तीर्थ पुरोहितों सहित बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष मंदिर समिति के अधिकारियों जिला प्रशासन पुलिस विभाग की मौजूदगी में पौराणिक विधि विधान के साथ बाबा केदारनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। बाबा केदारनाथ के कपाट बंद होने के दौरान आर्मी के 11 मराठा लाइट इन्फेंट्री के बैंड की मधुर धुनों हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में भगवान केदारनाथ के कपाट बंद किए गए हैं। वहीं कपाट बंद होने के बाद भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली धाम से आर्मी के बैंड और भोले के जयकारों की गूंज के साथ अपने शीतकालीन पड़ाव ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ के लिए रवाना हुई। वहीं भगवान की पंचमुखी चल विग्रह डोली आज प्रथम रात्रि प्रवास के लिए रामपुर पहुंचेगी और 29 अक्टूबर को अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान होंगे, जहां अगले 6 महीनों तक बाबा की पूजा अर्चना की जाएगी। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। पूरी रात्रि को 4 पहर की पूजा हुई, भगवान का अभिषेक हुआ, भगवान की आरती हुई। अंततो गत्वा जब भगवान को जो है भस्म की आरती दी जाती है, उस समय अन्न चढ़ाया जाता है। पूरा देश और पूरे हमारे जो इस समय धार्मिक श्रद्धालु हैं उनकी नज़र भगवान पे होती है, उनके आंसू आ जाते हैं कि आज भगवान जो है 6 महीने के लिए कपाट बंद होंगे और यहाँ पर स्वयं नारायण भगवान शंकर की पूजा करेंगे। यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हैं, श्रद्धालुओं में उत्साह का वातावरण है और देश विदेश से बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आए हैं। आज कपाट बंद हो रहे हैं। मैं आज इस अवसर पर जितने भी हमारे यहाँ पर तीर्थ पुरोहित समाज है, जो यहाँ पर स्थानीय हक हकदारी हैं, जो मंदिर समिति के हमारे कर्मचारी अधिकारीगण हैं, सबका आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।